तीनों मिलकर हमारे राज जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये बात सच है ना, तो ये हमारे लिए बहुत बुरा है। आई एम श्योर राजन अंकल और माधवी आंटी का कोई ना कोई राज इस घर में है, और हो ना हो वो राज उस आदमी से जुड़ा है। आकाश, एक और राज है जो मिस्टर मिस बेदी ने छुपा रखा है। मतलब वो बूढ़ी औरत। Just think about it. उस दिन उस बूढ़ी औरत को घर के बाहर देख के मिस्टर मिस बेदी बहुत भड़क गए थे। तुम्हारी ये मेंटल हॉस्पिटल है या फिर मजाक है? मैनेजमेंट को तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा कि तुम्हारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स की ऐसे केयर करते हैं। लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया। और फिर उस औरत ने जब वो अजीब अजीब सी बातें शुरू करी कि मैं सब राज खोल दूंगी, मैं सब कुछ बता दूंगी, तो वो डर गए थे। अब तुम लोग देख लो, मैं सारे राज खोल दूंगी। और याद है उस दिन तुमने एक छोटा सा मजाक किया था और मिसेस बेदी कैसे भड़क गई। ऐसा तो नहीं उसकी बेटी की आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई हो? ये क्या बकवास है, ऐसे कोई बात करता है? जैसे तुमने किसी दुखती रख पे हाथ रख दिया हो। और एक रात मैंने उन दोनों को चुपचाप एक रूम में ताला लगाते हुए देखा। गॉड नोज़ उस रूम में क्या है, पर जानने का एक ही रास्ता है कि इस रूम का ताला अब तोड़ना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है, वो रूम में चेक कर चुका हूं, वहां कुछ नहीं है। और मैंने राजन अंकल और माधवी आंटी को उस बूढ़ी औरत को गाड़ी के ट्रंक में डालते हुए देखा। जिस दरवाजे से वो लोग निकले थे वो दरवाजा नेक्स्ट डे था ही नहीं, वहां पे प्लास्टर किया हुआ था। ये दीवार केले क्यों है? क्योंकि ये कल रात ही बनाई गई है। ऐसा काश वो कमरा जो सालों से इस घर में था, रातों रात उस पर प्लास्टर लग गया। क्यों? क्योंकि राधिका को उस कमरे के बारे में पता चल गया था। और ये सब हमारी मौजूदगी में हो रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। घर में एक औरत को कैद रखना, रातों रात एक नई दीवार बनवा देना, वो भी बिना किसी को पता चले, हम सब की मौजूदगी में ये सारे काम इतनी सफाई से करना, ये मिस्टर मिस बेदी अकेले कैसे कर सकते हैं? हो ना हो कोई तो उनके साथ मिला हुआ है। कोई भी हो सकता है लेकिन शिवानी नहीं। शिवानी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, शी इज इनोसेंट। आई नो आकाश, शिवानी नहीं हो सकती है, मैं उसको बचपन से जानती हूँ, वो बच्ची जैसी है, उसे तो इन सब चीजों के बारे में पता तक नहीं होगा। लेकिन केके और आकाश आगे क्या करना होगा? पता नहीं, लेकिन जो भी करना है हम तीनों को साथ में करना है। And we'll need you, Akash. है ना क्रिश? क्रिश, एक से भले दो और दो से भले तीन। Come on, guys. भरोसा है मुझे इस पर, तुम मुझे अपना भरोसा नहीं दोगे?
सब भूल जाओ ना, प्लीज मेरे लिए। सबसे पहले हम उस आदमी को ढूंढेंगे जिसने आकाश पे अटैक किया। और उनके लिए भी। Get to hell with them. I don't care. मुझे सिर्फ शिवानी की फिक्र है। वो आकाश के प्यार में इतनी पागल हो गई कि जो वो दिखा रहा है वही देख रही है, समझ ही नहीं पा रही है कि ये उसके लिए जाल बिछाया जा रहा है। God. सारी बॉटल्स खाली। क्या कर रही थी? वो बाहर कोई था, वो मेरा हाथ खींच रहा था, मुझे बाहर की ओर खींच रहा था। कौन है? तुमने उसकी शक्ल देखी?
दिखा तुम्हें कोई के? नहीं, वहां तो कोई नहीं है। वो वहीं था, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई पर मैंने उसकी आंखें देखी। शिवानी रिलैक्स, वहां कोई नहीं है, शायद एक बुरा सपना था। नो शिवानी, इस घर में बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। तुम्हारा वो झूमर वाला इंसिडेंट, आकाश का ऊपर से गिर जाना, तुम्हारे माँ बाप को लगना कि यहाँ पे एक भूत है, शायद इन सब बातों का तुम पे बहुत गहरा असर हुआ है। अरे वो जस्ट अ बैड ड्रीम, दैट्स इट। सपने में ऐसा नहीं होता है केके। सी दिस। मतलब मिस्टर एंड मिसेस बेदी अपनी बेटी तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शिवानी, आई एम सॉरी, लेकिन बाहर दूर दूर तक कोई नहीं है। लिसन, यू जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। कैन यू प्लीज कॉल आकाश? प्लीज कॉल हिम एंड मॉम डैड को कुछ मत बताना। ओके, आई जस्ट गेट हिम। लेकिन मैंने खिड़की लॉक कर दी है, अब कोई अंदर नहीं आ पाएगा। सो यू जस्ट काम डाउन एंड रिलैक्स, ओके? आकाश, मुझे लगता है तुम्हें अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। बोर हो गया यार आराम कर करके, बस एक कॉफी खत्म हो जाए और हमारी बातें। वैसे मानना पड़ेगा हमारे पास किससे बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं सुनाने के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें शिवानी की और बातें बताने लगा ना, तुम पूरी रात हंसते हंसते पागल हो जाओगी। वो है ही ऐसी, खुद भी खुश रहती है और सबको भी खुश रखती है। पता है, कोई ना एक ऐसा इंसान होना चाहिए अपने साथ जिसको देखते ही फेस पे स्माइल आ जाए। Absolutely. आकाश, हम तीनों ने इस घर का राज पता करने की तो ठान ली है, लेकिन आई विश वो सब सच ना निकले। जो हमने सोचा है वो सच निकला तो राजन अंकल और माधवी आंटी गुनहगार निकलेंगे, और अगर शिवानी को ये सब पता चलेगा तो उसे बहुत हर्ट होगा, बहुत दुख होगा। पता है वो अपने पेरेंट्स को अपना भगवान मानती है, इतना भरोसा करती है वो उन पर। I just hope कि ऐसा कुछ ना हो, ये सब कुछ झूठ निकले। Trust me, मैं शिवानी को हर्ट होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। कॉफी गिर गई, मैं ना चेंज करके आती हूँ, तुम मेरे लिए एक दूसरी कॉफी बना दोगे? आकाश, 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 आर यू इन? सर फट गया, लेकिन ये अपनी आदतों से बास नहीं आएगा। I know where he is. तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? और राधिका कहाँ है? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। आई थॉट बहुत चोट लगी है तुम्हें, लेकिन रेस्ट करने की जगह तुम यहाँ बैठ के कॉफी पी रहे हो। तुम्हें बड़ी केयर है मेरी, थैंक्स मैन। मेरी केयर तुम्हें इतनी पसंद आ रही है तो अब मुझे ये भी बता दो कि इस वक्त तुम अपने रूम में क्यों नहीं हो? ये सवाल तो मैं तुमसे ही पूछ सकता हूँ कि इस वक्त तुम अपने रूम में क्यों नहीं हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई बुरा सपना आया है, बहुत डरी हुई हो, तुम्हें यही बताने आया था।
एक बार डर गई दोबारा नहीं डरूंगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देवलोक। I don't believe you. तुम ये सब राधिका को मुझसे दूर रखने के लिए कर रहे हो। शिवानी का बहाना। Are you out of your mind? वो एक्चुअली डरी हुई है। उसके रूम के बाहर कोई था। तुम्हें उसकी चीख नहीं सुनाई दी? अगर वो चीखती तो उसकी चीख मुझे सुनाई देती, तुम्हें नहीं। How does that make sense? लूट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड डरी हुई है, उसे तुम्हारी जरूरत है और तुम यहाँ बैठ के कॉफी एंजॉय कर रहे हो। Do you even care for her? Yes, I care for her. And I care for everybody around me. You don't have to tell me that. Oh my God, ये कौन सा जंगली भेड़िया घुस के आ गया यहाँ पे जिससे तुम सबको प्रोटेक्ट करते रहते हो? मैं भी तो देखूं। जिस तरह तुम इतने डेस्परेट हो रहे हो उसको प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा। शिवानी का बहाना तो मतलब हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये केके को आकाश को बुलाने भेजा था और अब दोनों भी गायब हैं। अगर मुझे यहाँ रुकना होता तो नो वन कैन स्टॉप मी। मुझे कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। ब्रदर, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, शिवानी ने खुद मुझे बोला कि मैं तुम्हें उसके पास भेजूं। अगर शिवानी को आना होता तो खुद आती, तुम्हें नहीं भेजती। आई नो व्हाट्स ऑन योर माइंड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.